हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है कंक्रीट पे जो बैचिंग प्लान जो आप लोग पीछे देख रहा है, तो आज का उसका ऊपर में वीडियो है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करा जाता है। हाय गाइस, तो चलिए आज आप लोग को दिखाया जाता है बैचिंग प्लान। ये जो देख रहे हैं सीमेंट टंकी है, तो यहाँ से सीमेंट कटिंग किया जाता है। ये सीमेंट ओपड़ी और अब ये सीमेंट गोडाउन है जहाँ पे सीमेंट इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये दो लेर का दोस्त है। ये जो आप लोग दो टंकी देख रहे हैं, एक में सीमेंट है बड़ा वाला में, और ये आपका बैचिंग प्लान लोडिंग पॉइंट है। ये वाला लोडिंग पॉइंट है। यहाँ पे कंक्रीट लोडिंग है, लोडिंग पॉइंट मतलब कंक्रीट लोडिंग, जहाँ पे कंक्रीट ऊपर में बन के या टीएम लगता है। आगे चल के टीएम भी दिखा रहा हूँ मैं, पीछे दिख रहा है आप लोग को टीएम, और टीएम लोडिंग होता है। ये तो सीमेंट टंकी आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे आपका माल डाला जाता है, जो ऐसे बालू गिट्टी जो भी डाल के ये बेल्ट से ऊपर जाता है। ऊपर से अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जूम करके थोड़ा। यहाँ पे स्टॉक किया जाता है, यहाँ से स्टॉक होके ऐसे स्टॉक होता है उधर। ये पानी टंकी है, मतलब हाँ ये पाइपलाइन है जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये पाइपलाइन से। तो गाइस ये पाइपलाइन देख चुके हैं आप लोग, ये सब केमिकल है जो कंक्रीट पे मिक्स होता है कंक्रीट को हैवी करने के लिए, एडमिक्चर और भी क्या है। तो आप लोग को भी पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये आपका जो सप्लाई कंट्रोलर रूम है वो है। ये 250 KV का DG है जो बैचिंग प्लांट को सप्लाई देता है, बिजली जाने से सप्लाई करता है। तो आगे चल के अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, जहाँ पे बैचिंग प्लांट को जहाँ से चलाया जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पे बैचिंग प्लांट को जहाँ से ऑपरेट किया जाता है, ये कंट्रोलर रूम है। ये मॉनिटर से PC से इसको कंट्रोल करा जाता है। तो हमारा ये हम लोग के भाई साहब लोग बैठा है यहाँ पे, तो ये सब TM ऑपरेटर बैठा है बस रिलैक्स करने के लिए। ये आपका जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से सब कुछ कंक्रीट का। ये आपका मेन मशीन है, ये आपका TM हो गया जिसमें लोड होता है, जो TM में लोड होता है कंक्रीट। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही था। आप लोग को मिलेंगे अगला वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।